हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ बच्चों का मनपसंद डोनट्स। इसके लिए जो मुझे सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने ये 2 कप मैदा लिए, लगभग 400 ग्राम, 2 टेबल स्पून मैंने ईस्ट लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रखेंगे। मैंने ये 2 बड़े चम्मच ईस्ट लिए हैं और मैं इसमें 2 ही चम्मच चीनी मिक्स करूंगी। अच्छे से इस तरह से मिलाकर अब मैं इसमें गुनगुने पानी से 4 चम्मच डालूंगी और इसको घोल कर एक गर्म जगह पर रख दूंगी। ये लगभग मैंने 4 चम्मच पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको ढक करके एक गर्म जगह पर फूलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ईस्ट हमारी इस तरह से एक्टिव हो गई है। अब हम मैदा को एक परात में छानेंगे। छानते समय ही मैं इसमें ये मिल्क पाउडर मिक्स कर दूंगी, जिससे कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। ये देखिए, मैंने 1 कप में 1/4 कप पानी, 1/4 कप दूध और 1 छोटा चम्मच बटर डालकर माइक्रोवेव में 10 से 15 सेकंड गर्म करा है। हमको इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम सबसे पहले ये ईस्ट का घोल इस मैदा में मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये दूध और पानी का जो मेरा घोल है वो मैं इसमें डालूंगी। हमको इसकी एक सॉफ्ट डो बनानी है और ये काफी स्टिकी लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। जितनी की ज़रूरत होगी मैं उतना पानी इसमें ये मिक्स करूँगी। ये जो मैंने मिक्सर बनाया था इसमें से मैंने 1/2 पानी इस्तेमाल करा है। मैं कभी दोबारा जब मैदा गूंथूंगी तब मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये देखिए, मैदा कितनी ज़्यादा स्टिकी हो रही है। मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर और इसको अच्छे से गूंथूंगी। मैं इसको कम से कम 5 मिनट गूंथूंगी, जिससे कि ये अच्छे से इसका ग्लूटेन निकल जाए। ये देखिए, हमारी मैदा गूंथकर तैयार है। और ये आप ये देखिए कि हाथ लगाने से भी ये ऊपर को आ रही है। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ढक करके रख देंगे। जब ये साइज में डबल हो जाएगी तब हम इसको दोबारा पंच करके बेल कर और तब इसके हम डोनट तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारी मैदा इस तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसकी 2 हिस्सों में इसको भाग करके और इसकी 2 मोटी मोटी चपाती जैसी बनाऊंगी और फिर हम डोनट्स काटेंगे। ये रोलिंग बोर्ड पर मैं इस तरह से सूखी मैदा छिड़क कर
और तब इसको बेलूंगी। जिस साइज के डोनट बनाने हैं उस साइज के हम कटोरी से इनको काटेंगे। मैंने ये कटोरी ली है और मैं इससे इसके पीस करूंगी। और एक छोटे ढक्कन से हम इसके सेंटर में छेद करेंगे। ये मैंने एक प्लेट में हल्का सा तेल लगाया हुआ है और मैं डोनट्स को इनके ऊपर रख दूंगी। जब ये फूल जाएंगे आधे घंटे बाद तब हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह से मैं सभी डोनट्स तैयार करूंगी और ये जो छोटे वाले हैं इनको हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। अभी हमने डोनट्स अपने ढक करके रखे हुए हैं, जब ये फूल जाएंगे तब हम इनको फ्राई करेंगे। तब तक मैं इसको ग्लेज करने के लिए ये चॉकलेट तैयार करती हूँ। ये मैंने मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, अब मैं इसके छोटे पीस कर रही हूँ। एक फ्राई पैन में मैंने इस तरह से पानी गर्म करने रखा है, उसके ऊपर ये कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें चॉकलेट के कंपाउंड को छोटे पीसेस में कर मेल्ट करने के लिए रखेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें पानी की कोई बूंद ना जाए। जब पानी उबल जाएगा तो हम गैस को कम कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ये चॉकलेट डाल दी है और ये मेल्ट होने लगी है। अब मैं गैस कम कर दूंगी और इसको लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। ये देखिए हमारी चॉकलेट इस तरह से मेल्ट हो गई है और मैं इसको अच्छे से चला करके चिकना करूंगी। गैस मैंने बिल्कुल कम करी हुई है और मैं इस समय इसमें एक चम्मच बटर डाल रही हूँ। ये देखिए डोनट्स इतने अच्छे फूल गए हैं। अब मैं तेल गरम करके और फिर गैस को सिम करके पहले एक छोटा वाला तलकर देखूंगी। अगर वो ठीक तल गया तब मैं बाकी डोनट्स उसमें डालूंगी। हमको तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गरम तेल में हमें इनको नहीं तलना है। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, अब मैं गैस थोड़ा कम करके और ये छोटा वाला डालकर देख लूँगा। ये छोटे छोटे भी बच्चों को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और हम इनको धीमी आंच पर हम तलेंगे। इस तरह से हम इनको एक प्लेट में नैपकिन रखकर निकाल लेंगे। ये हम बिल्कुल सिम आग पर फ्राई कर रहे हैं और इनको गरम गरम हमने इस तरह से जो शुगर पाउडर है उसको हमने छान के रखा है और इसमें हम इसको लपेटेंगे। ये देखिए सभी डोनट्स तैयार हैं। अब मैं इनको पाउडर शुगर में कोट करूंगी। उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। बटर लगाने से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इस तरह से हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हम चॉकलेट में इसको डिप करेंगे और निकाल करके इस तरह से एक प्लेट में रख देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट वाले बनाएं, चाहें तो प्लेन शुगर वाले बनाएं, हमको इसको एक ही तरफ से कोट करना है। मेरे पास ये थोड़े से रेनबो स्प्रिंकल्स हैं, मैं इनके ऊपर इनको इस तरह से फैलाऊंगी। और ये थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स भी हैं, ये देखिए। ये बच्चों को इस तरह के स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं, और आप घर पर ही बना के खिलाइए तो वो ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश होंगे। ये जो मैंने शुगर कोटेड हैं इनके ऊपर भी मैं ये थोड़े से स्प्रिंकल्स डालूंगी इस तरह से। और आप चाहें तो इनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरी चैनल के लिए नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।